नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ भावना। सबसे पहले आज की प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नजर। पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वे मुंबई और पुणे में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में होगा। अब आइए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर होगी ईडी में पूछताछ। दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली के हेडक्वार्टर तक सुरक्षा बलों के जवानों को भारी संख्या में किया तैनात। बता दें, यातायात पुलिस ने किया सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अलर्ट। राजस्थान के 2500 पेट्रोल पंप आज शाम को हो सकते हैं बंद। पेट्रोल डीजल की सुबह से ही शुरू होगी किल्लत। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लिखा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र। सबसे ज्यादा हालात खराब भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों। राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण आंदोलन। भरतपुर में इंटरनेट बंद। 4 तहसील नदबई, उच्चैन, बैर, भूसावर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। नौकरी और उच्च शिक्षा में 12% आरक्षण की मांग को लेकर किया जाम। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने कांग्रेस को दिया झटका। मूसेवाला परिवार बोला राजनीति के लिए नाम का इस्तेमाल न करें। 2 दिन पहले कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए इलेक्शन सॉन्ग किया लॉन्च। इलेक्शन सॉन्ग में दिखा रही थी शव कांग्रेस। पैगंबर विवाद में पाकिस्तान ने रची भारत में हिंसा फैलाने की साजिश। पाकिस्तान समेत 60,000 नॉन वेरिफाइड अकाउंट के जरिए झूठी और भड़काऊ बातें पोस्ट की। 7,000 ट्विटर अकाउंट से मिशन को दिया अंजाम। डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर ने किया खुलासा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी न्यूज़ नेटवर्क।